हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय भंडारी। देखिए, आज हो गया फ्राइडे अपना, और 22 नवंबर, और मंडे के लिए 25 नवंबर के लिए हम ऑप्शन चेन एनालिसिस करेंगे कि 25 तारीख को, 25 नवंबर को क्या निफ्टी में रह सकता है, क्या संभावना बन सकती है वो जानने की। देखिए, कल भी मैंने आपको बोला था कि शॉर्ट करके ही काम करना है, और आप देख लीजिए कि कितना अच्छा खासा नीचे की तरफ बाजार आया। ओके, तो ये स्टार्ट करने से पहले ऑप्शन चेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये हमारा यूट्यूब चैनल है हेजिंग स्टडी बाय विनोडरी, प्लीज लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम चैनल है हेजिंग स्टडी, इसमें जरूर जुड़िए। ब्लॉग है विनोडरी बंडर ब्लॉग.com, ट्विटर हैंडल है हेजिंग, व्हाट्सएप नंबर है 9699646408। चलिए, सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ आपको चार्ट की तरफ। ये देखिए, यह है निफ्टी का चार्ट, यहाँ सेल सिग्नल दिया इसने, आप देख रहे हैं 12,003 में। मैंने स्क्रीनशॉट भी आपको शेयर किया था, और उसके बाद से आप देखिए कितना अच्छा नीचे की तरफ स्लिप करा है। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर पकड़ने की कोशिश करिए, लेकिन कुछ बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ मेरे को नहीं लग रही है। सही है, अब ये तो हो गया चार्ट। अब एक बात और मैं आपको दिखा देता हूँ, डेली चार्ट भी एक बार दिखा देता हूँ आपको, फिर उसके बाद हम ऑप्शन चेन देख लेंगे कि ऑप्शन में क्या संभावनाएं बन रही है। वैसे तो मेरे को तो अभी बाजार खराब लग रहा है, जिस तरह से आज गिराया है, तो मेरे को लगता है अब ये देखिए, ये डेली चार्ट हो गया, डेली चार्ट पे भी इसने एक सेल सिग्नल दे दिया है। तो मेरे को लगता है मंडे ट्यूसडे 2 दिन और, कम से कम 2 से 3 दिन, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 2 से 3 दिन और नीचे की तरफ रखेंगे बाजार को। और 11,777, 11,777 और 11,700 के आसपास बाजार आ सकता है आने वाले कुछ दिनों में, इस तरह का मेरा व्यू बन रहा है। क्या व्यू बन रहा है? 11,777 या 700 के आसपास ये लेवल या इसके नीचे की तरफ फिसल सकता है 2 से 3 दिन में आगे ट्रेडिंग डेज में। लेकिन फिर भी हम देखिए, ये है डेली चार्ट, डेली चार्ट पे अभी भी बाय दिखा रहा है आपको। सही है, जो पोजिशनल ट्रेड करते हैं, लंबा ट्रेड करते हैं, उनके लिए निफ्टी अभी भी बाय है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म ट्रेड लेते हैं, स्विंग ट्रेडिंग जो करते हैं, उनके लिए अभी ये शॉर्ट में आ चुका है। लेकिन हम एक काम और करेंगे, ऑप्शन चेन में भी देख लेते हैं थोड़ा सा क्या चेंजेस हुए हैं। ये ऑप्शन चेन है निफ्टी की, आज क्लोजिंग दे दिया 11,914 के पास में, मतलब 11,900 के पास में। इसे हम ले लेते हैं पेंट में, चलिए इसे पेंट में ले लिया। पहले कॉल्स की साइड देख लेते हैं, कॉल्स की साइड में क्या चेंजेस हुए हैं। 11,900 पे हम आ जाते हैं। देखिए, कॉल्स की अगर मैं बात करूं 11,000 के, तो कॉल्स में ये आ गए हम कॉल्स की साइड में। ये देखिए, ये है कितनी है, 12,45,000, अच्छी खासी कॉल राइटिंग हुई है यहाँ पर 11,900 के कॉल में, 950 के कॉल में 10 लाख की कॉल राइटिंग है, 12,000 में 11 लाख, 12 लाख के आसपास कॉल राइटिंग है। देखिए, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट 49 लाख हो गया है। 12,000 तो आप भूल जाइए, आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि निफ्टी 12,000 आएगा, ये मेरा मानना है। 950 में भी 13 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 11,900 पे भी 25 लाख का ओपन इंटरेस्ट हो गया है। ओके, अच्छा, ऊपर की तरफ देखना तो बेकार है, 12,000 ही नहीं दिख रहा है तो फिर ऊपर देखना तो बेकार है। अच्छा, 850 में एक बार देख लेते हैं, 850 में यहाँ पर भी कॉल राइटिंग है, 11,800 में भी कॉल राइटिंग है, और 13 लाख का ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पर 11,800 में। देखिए, ये वाली रेंज जो मैं आपसे कह रहा हूँ, इस रेंज के आसपास मेरे ख्याल से मंडे ही आ सकता है, मंडे नहीं तो ट्यूसडे। अब मेरे को फिलहाल 2-4 दिन के लिए खराब सा दिख रहा है बाजार, ज्यादा लंबा व्यू नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन 2-4 दिन के लिए खराब दिख रहा है। लेकिन उसके बाद अगर वो 777 और 700 के नीचे गया, तो उसके बाद और गंदा हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है, मेरे को ऐसा दिखता है बाजार। लेकिन हम पुट्स की साइड भी एक बार देखेंगे, पुट्स की साइड में क्या हुआ है। ये देखिए, एट द मनी पर आ जाते हैं, 11,900 में यहाँ पर फ्रेश पुट बाइंग हुई है, क्वांटिटी ज्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन टोटल ओपन इंटरेस्ट जो है वो 29 लाख का है। ओके, अच्छा, 11,850 में देखते हैं तो यहाँ पर भी बाय है फ्रेश, 800 में देखते हैं तो 800 में थोड़ी राइटिंग है, 1,69,000 की और 27 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। तो अभी 800 का आप क्या पकड़िए, बेस, जिसे बोलते हैं सपोर्ट, क्या बोलते हैं, सपोर्ट, 11,800 का सपोर्ट। थोड़ी राइटिंग समझ में नहीं आ रही क्योंकि ये अभी मेरे को इतनी आदत नहीं है इसकी टैप की यूज करने की, तो आप समझ जाइए सपोर्ट है। तो ओके, ऊपर की तरफ अगर मैं बात करूं तो, अच्छा, यहां पर देखिए,
11,950 में भी यहाँ पर भी अच्छा खासा पुट बाय है। क्या बाय है? अच्छा खासा पुट बाय है। और देखिए ये 12,000 के जो पुट है ना, इसमें शॉर्ट कवरिंग हो गई है। जिन्होंने शॉर्ट करे थे 12,000 के पुट, उन्होंने अब अपनी पोजीशन काटनी शुरू कर दी है। ओके, तो हम क्या करेंगे अब? चलो डेटा भी देख लिया, ये भी देख लिया, एक बार चार्ट में फिर से देखना चाहूंगा। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं, वो थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। समझने की कोशिश क्या करेंगे, 810, आप समझिए कि 810 के आसपास आ सकता है, 2-4 दिन में, 1-2 दिन में भी आ सकता है। हो सकता है मंडे आ जाए, ट्यूसडे आ जाए, मंडे ट्यूसडे में आ जाए, लेकिन 810 के आसपास निफ्टी आ सकता है। अब ऊपर की तरफ अगर मैं बात करूं तो 12,037, देखिए स्टॉप लॉस मेरा वही रहेगा अभी भी 12,037 का। 12,037 के स्टॉप लॉस से ही शॉर्ट करना है, और टारगेट 9,810 के आसपास, 810, 743। देखिए मैं यहाँ पे हम कर लेते हैं, अब मैं अपनी बात कर रहा हूँ। देखिए आप जो भी काम करते हैं अपने एडवाइजर से राय लेके करिए, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मेरे को क्या लग रहा है अभी इस समय क्या करना चाहिए और मैं क्या करूँगा। देखिए मैं करूँगा शॉर्ट निफ्टी, सही है। अब शॉर्ट करने के बाद कितना है अभी फ्यूचर की, अगर मैं स्पॉट की बात करूँगा, 11,914, ये हो गया स्पॉट। और मैं SL क्या रहेगा मेरा, 12,037। देखिए ये मेरा SL है। अब ये SL मेरा, मैंने क्या बोला था आपको, कल भी बोला था कि ये SL मेरा अब आगे के लिए यही काम करेगा SL, और उसके बाद फिर नीचे की तरफ खिसक सकता है, तो मैं नीचे लेके आऊंगा। लेकिन अभी अगर मैं बात करूं तो इससे अगर थोड़ा सा SL अगर मैं पास रखूंगा तो मेरा हो जाएगा 11,977, ये मेरा SL रहेगा। 11,977 या 12,037, ये मेरा SL रहेगा। और मैं शॉर्ट करके काम करना चाहूंगा, मेरा जो मंडे ट्यूसडे का जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 11,810, और 11,810 के नीचे अगर खिसकता है, ये चीज और ध्यान रखिएगा जो मैं कह रहा हूँ, 11,810 के नीचे खिसकता है 743, ये आ जाएगा निफ्टी, 11,743। ये लेवल मेरे को दिख रहे हैं अभी, दो लेवल, 11,810 और 11,743। ओके, तो ये तो हो गया अपना वीडियो। अब जो हमेशा जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद ये बेल आइकन पे क्लिक करने के बाद ऑल जरूर कर लीजिएगा। ऑल करने से क्या, आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। आप अगर ऑप्शन सीखना चाहते हैं, हेजिंग सीखना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9699646408 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप वीडियो देख के भी सीख सकते हैं। वीडियो में भी काफ़ी कुछ दिया है जहाँ से आप कुछ सारी जानकारी ले सकते हैं। ओके, प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा वीडियो और कमेंट्स कर दिया करिए। देखो कुछ लोग तो मैंने देखा है बिना वीडियो देखे भी लाइक कर देते हैं, तो मेरे को अच्छा लगता है अगर आप लाइक करते हैं वीडियो। लेकिन इतनी मेहनत करके हम वीडियो बनाते हैं, तो आप थोड़ा सा अगर लाइक कर देंगे तो देखिए आपका तो कुछ नुकसान होगा नहीं, लेकिन हाँ हमारे को जरूर अच्छा लगेगा कि हमारे को आपने हमारे वीडियो को लाइक करा। कुछ कमेंट्स कर देंगे, कुछ अच्छे बुरे जो भी आपको लगता है उस तरह के कमेंट्स कर दिया करिए। अच्छा लगता तो अच्छे कमेंट्स कर दीजिए, बुरा लगता तो बुरे कमेंट्स कर दीजिए। ओके, तो यही कहूँगा कि शेयर्स करिए जितना ज़्यादा कर सकते हैं। यूट्यूब के जो हमारे चैनल्स के जो वीडियो हैं वो व्हाट्सएप नंबर में, टेलीग्राम में, अपने फेसबुक आईडीज में, जहाँ जहाँ शेयर्स कर सकते हैं वहाँ शेयर्स करिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा अगर आप शेयर्स करते हैं तो। थैंक यू।